બોલિવૂડ ફિલ્મ અર્જુન પટિયાલાની સ્ટારકાસ્ટ અમદાવાદની મહેમાન બની હતી અને પોતાના ફિલ્મ પક્ષેના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. મેડ ડોગ ફિલ્મ્સ અને ટી સિરીઝના બેનર હેઠળ પ્રોડ્યુસર્સ થયેલ અપકમિંગ બોલિવૂડ ફિલ્મ અર્જુન પટિયાલામાં દિલજીત દોસાંઝ, કીર્તિ સેનન તથા વરુણ શર્મા જોવા મળશે. પોતાના ફિલ્મના પ્રમોશન માટે લીડ સ્ટાર ક્લાસ્ટ દિલજીત દોસાંઝ અને કીર્તિ સેનન અમદાવાદના મહેમાન બન્યા હતા અને પોતાની ફિલ્મ અંગે રસપ્રદ વાતો કરી હતી. ફિલ્મમાં દિલજીત એક પોલીસ ઓફિસરના રોલમાં અને વરુણ તેની સાથે પોલીસ ઓફિસર છે. ફિલ્મમાં કીર્તિનું પાત્ર ટીવી ચેનલના ક્રાઇમ રિપોર્ટરનું છે. ફિલ્મમાં દિલજીત અર્જુન પટિયાલાના રોલમાં, વરુણ શર્મા ઓનેડા સિંહના રોલમાં અને કીર્તિ રીતુ રાંધાવાના પાત્રમાં દેખાશે. આ ફિલ્મ ડિરેક્ટર રોહિત જુગરાજ દ્વારા ડિરેક્ટ કરવામાં આવેલ છે. દિલજીત દોસાંઝ, કીર્તિ સેનન અને વરુણ શર્મા સિવાય અર્જુન પટિયાલા ફિલ્મમાં રોહિત રોય પણ જોવા મળશે. આ સિવાય સુંદર અભિનેત્રી સની લિયોની પણ એક સોંગમાં નજરે પડશે. ફિલ્મ 26 જુલાઈ 2019 શુક્રવારના રોજ ભારતભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહેલ છે. ફિલ્મના સોંગ દર્શકોને ઘણા પસંદ પડી રહ્યા છે. ફિલ્મનું મ્યુઝિક સચિન જીગરની જોડીએ આપેલ છે અને ફિલ્મના સોંગના શબ્દો ગુરુ રાંધાવા તથા પ્રિયા સરૈયા દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલ બંનેએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. और इसमें एक फनी सी कहानी है और स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनको मुझे लगता है ज्यादा पसंद आएगी जो बच्चों के लिए बनाई गई है. वो एक्चुअली ऐसा कि एक फिल्म को मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है और ए, मुझे डेब्यूट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है इसलिए अनुभव बहुत अच्छा रहा है. इस बार माइक मेरे हाथ में था थैंकफुली और क्राइम रिपोर्टर प्ले कर रही हूँ मैं तो काफी अलग तरह का जर्नलिज्म है आई फील वो और काफी रिस्की भी है, काफी इंटेंस है. हालांकि ये कॉमेडी फिल्म है तो हम लोगों ने इंटेंस साइड ज्यादा दिखाई नहीं है, लेकिन ऋतु रंधावा का जो कैरेक्टर है वो मतलब फिरोजपुर की क्राइम रिपोर्टर है और अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है. और वैसे वो ऐसी लड़की है कि मतलब बिंदास लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, स्ट्रांग हेडेड है. आप पंगे नहीं ले सकते उससे और अगर आप छेड़ोगे तो वो आपको रापड़ मार देगी. तो वो ऐसी है. बताओ जी मेरा आंसर. हाँ जी, पहले ये इंटर्नशिप कर रहे थे, अब इनको जॉब मिल गई इस फिल्म में. लुकच में इंटर्नशिप कर रही थी, मुझे कार्तिक ने ज्यादा काम करने नहीं दिया तो इस फिल्म में मेरे को प्रॉपर जॉब. इंटर्नशिप पाजी, अभी तो बस रात को आए एयरपोर्ट से, वो अंधेरा था और सुबह उठे तो मतलब ये इंटरव्यू शुरू हो गए. अभी ऐसे में घूम तो नहीं पाया लेकिन ऐसा देखने में अंदर से तो बड़ा कमाल लग रहा है, बड़ा शांत लग रहा है और मुझे ऐसी जगहें पसंद है. तो अहमदाबाद आके मैं घूम नहीं पाया, आज तो मौका भी नहीं है, शाम को जा रहे हैं वापस. लेकिन वैसे कभी टाइम से निकाल के फिर आएंगे, थोड़ा घूमेंगे और खाएंगे पिएंगे. यहाँ काफी कुछ खाने पीने के लिए भी अच्छा है. गुजराती थाली मैंने मंगवा ली पहले से भी. बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं और फैमिलीज हैं उनके लिए है ये फिल्म, बच्चों के लिए और फैमिली के लिए. वो बच्चे बहुत खुश होंगे और जो फैमिलीज हैं वो हंसेंगे खेलेंगे जाके. मतलब एक फनी कॉमेडी और हंसने खेलने वाली फिल्म है, ऐसा कोई मैसेज वाली फिल्म नहीं है. इसमें कोई मैसेज वैसे किसी के लिए कुछ नहीं है, पर बच्चों के लिए हंसी खेलने वाली फिल्म है. ध्वनि पंचाल, ZS TV अहमदाबाद.